हे हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हो एंग्री डायनो गेमर। तो गाइस, आज सबसे पहले तो मैं आप सबका सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेट आई है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, फुल ट्यूटोरियल दूंगा कि एक डिप्लोडोकस को कैसे टेम करें। तो गाइस, सबसे पहले तो मैंने एक डिप्लोडोकस ढूंढ लिया है, अच्छे खासे लेवल का, 75 लेवल का मेल डिप्लोडोकस है। तो गाइस, इस डिप्लोडोकस को टेम करने के फैस तो दो तरीके होते हैं, नॉकआउट और पैसे। तो जितना मैंने रेट किया है उस हिसाब से तो पैसिव ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि मतलब ऐसे बोरिंग सा होता है वो पैसिव ना थोड़ा। जैसे अब ये नॉकआउट में मैं इसको पूरा फुल एकदम से ट्रैंक एरो और थोड़े से टॉक्सिक एंड एरो लेके आया हूँ। शायद ये नॉक हो जाए, 51 ट्रैंक एरो और 13 टॉक्सिक एंड एरो लेके आया हूँ। तो बाकी सूदिंग बाम वगैरह है 10x वाली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है टेम होने में। तो मैं कंपाउंड बो से थोड़ा लेके आया हूँ, जिससे शायद ये थोड़ा जल्दी इसका टॉर पर चढ़े। तो गाइस, फटाफट मैं इसको एरो मारने स्टार्ट करता हूँ। ये ग्रीन वाला है जिसको हम टेम करने वाले हैं आज। और गाइस, मैं आपको एक बार बताता हूँ, जिसको भी अगर डिप्लोडोकस को आप टेम करने वाले हो ना, एकदम ना खुले डुल्ले एरिया में, जहाँ पे मतलब कोई ज़्यादा खतरनाक बड़ा डायनासोर नहीं है इनको मारने वाला, कि ये डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी। और ऊपर से ना, वैसे इसका साइज़ अच्छा था सर। ये मैं पहले इसको ख़त्म करता हूँ। ये ना मतलब कहीं इसका डैमेज, और जिसको भी जौन सा भी डिप्लोडोकस आप टेम करो ना, उस प्रेफरेबली उसकी HP फुल ही रखना, क्योंकि कम HP, क्योंकि उसकी HP फुल नहीं होगी ना गाइस, सही से टेम नहीं हो पाएगा। तो फटाफट अब मैं इसको पहले तो ख़त्म कर रहा हूँ, फिनिश हो गए। मैं थोड़ा आराम से मारता हूँ ताकि दूसरे वाले को ना लग जाए, वरना फिर मेरे रोने निकल जाएंगे, फिर मेरे को वेट करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने इसको एक आधा एरो मारा ही है। अब देखो, मैं इसको पूरे हेड नेचुरल ट्रैप में फंसा रहा हूँ। इसका मेरे को हेड दिख रहा है, लेकिन ये चढ़ता पता नहीं किस तरह, इतना बड़ा है, पीछे गिरता नहीं है इसकी गर्द। गाइस, मैं काफ़ी कम एरो लेके आया हूँ, इसलिए पूरा प्रेशर से मार रहा हूँ एक एरो, ताकि इसका टॉर्पर ज़्यादा चढ़े। आप भी मतलब जैसे किसी भी डांसर को टीम करने लगे तो पूरा प्रेशर से मारना है एरो वगैरह। और मेरे प्लेयर को इधर भूख भी लगी, मैं फटाफट फटाफट थोड़े से ये खिला लेता हूँ, ताकि मतलब भी क्या होगा कहीं सारे फटाफट एकदम से एक एरो चढ़ गया। तो फटाफट गाइस, को मेरे को हेड सही से देख नहीं रहा है, टॉर्पर सही से चढ़ेगा नहीं इसका, थोड़ा ना ऊपर ऊपर कुछ ऐसे। और भाई बहुत ज़्यादा हाइट होती है डिप्लो की भी, इसको मजाक मजूक मत लेना, अगर दिख नहीं रहा है यार, ये तो गायब ही होगा, हेड ही दिख रहा था, दिख रहा था। मैं वैसे इसको रन करके टेम कर लेना चाहिए शायद से, मेरे को रन कर ला आइडिया एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि शायद अभी फंस गया है। नहीं फंसा, जल्दी जल्दी जल्दी, फुल 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 पोटेंशियल। ओके, एक एरो और। गेम लैग हो गया मेरा, गाइस मेरा गेम लैग हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, देखो कितना बड़ा है ये, और अटक गया, इतने सारे पत्थर नहीं पार कर पा रहा ये। गाइस, इसको अगर आप ट्रैप में, तो वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैप लेगा, और वैसे इस इतना बड़ा ट्रैप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, और ये हेड से वार करता है ना कि पून से, तो इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और इसका डैमेज काफ़ी कम होता है। वैसे तो इसको टेम करने के दिन मेरे पेट्रा को क्या कर रहा है भाई, हेलो गाइस। वैसे एक और बात बता दूँ कि मैंने ना नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें ट्यूटोरियल्स वगैरह देता हूँ मैं। वैसे इसका कुछ होगा नहीं मेरे पेट्रा को, क्योंकि डैमेज करते हैं, बहुत कम डैमेज होता है। मैं इसको इधर तीर, अबे पेट्रा को मारना जाके मेरे पेट्रा, ऐसा कुछ नहीं उसको उसको ऊपर चढ़ाता रहेगा, मेरे को बस धक्के मारता है, इससे कुछ नहीं होता गाइस। देखो ये खा लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ, बस ऊपर चढ़ा रहा है, तो खड़ जा भाई, सर तो दिखा दे अपना। अरे पेट्रा को मार रहा है, कहाँ हवा में ही सर चढ़ाई जा रहा है, ले और पेट्रा पुटरा के मर गया, तेरे को मार दूंगा गाइस। एक तो ना बस इसका क्या कितने इसका सैडल वगैरह कम लेवल पे खुल जाता है आराम से। वैसे तो मेरे ख्याल से पैसिव टेमिंग जो है ज़्यादा टाइम लेती है इसको टेम करने में, क्योंकि ये भूख बहुत स्लो लगती है इसको। तो गाइस, इसलिए मैं नॉकआउट टेम कर रहा हूँ। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइस, ये सीरीज जो है ना, इसमें वो पहले वाली सीरीज मेरी इजी डिफ़िकल्टी में थी,
ये है मीडियम डिफिकल्टी में, इसलिए इसके अंदर मेरे सारे डायनासोर्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये मत सोचना कि मैंने इनको लेवल देख लिए, देखो मेरे पास कोई गॉड कंसोल है, मैं बिल्कुल नहीं खरीदा, मैंने अच्छा खासा लेवल भी किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई इसकी, बस हेड पे मारता हूँ ज़्यादा। गाइस ये अटक चुका है वापस से, फुल गाइस पूरा ज़ोर से मारोगे ना इसका टॉर्प पर बहुत ज़्यादा अच्छे से चढ़ता है। फिर निकल गया बाहर, एक बार इसका टॉर्प चेक कर लेते हैं गाइस। भाई सिर्फ 5,000 चढ़ा भाई, 20,000 मार चुका हूँ मैं भाई, ज़्यादा टॉर्पर है नहीं इसका, 16,000 ही है, 16,000 कम नहीं होता वैसे तो, लेकिन भाई फिर भी मारना पड़ेगा। इसकी होते हैं शक्ल तो बड़ी गंदी सी है, लेकिन हम मारते हैं इसको फटाफट। ये पट से हेड शॉट, फटाफट मर जा भाई। ठीक है, मैं इसको लास्ट में इसका यूज़ वगैरह बताऊंगा, क्या है, काम करता भी है क्या नहीं करता। वैसे तो मेरे पास इस टाइम 23 टीम्स हैं मेरे मेरे आईडी में। भाई तू हेड दिखा देना भाई प्लीज। गाइस 3000 तक इसकी एचपी आ गई है भाई। उधर अंदर क्या मिल रहा है तुझे, डोडो वगैरह बीच में अटक रहे हैं। इधर मेरा पेट्रा देख लो, 0 एचपी, तेने अटैक खा चुका है, एचपी एक भी नहीं कम हुई। गाइस फटाफट जाते हैं आगे आगे, पत्थरों पे चलते हैं, पत्थरों पर वापस अड़ेगा ये। इसको गाइस एक जगह ट्रैप करके, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है ट्रैप करने की, लेकिन गाइस अगर आपको जल्दी टेम करना है हेड वगैरह तो गाइस इसको ट्रैप में ही करना। मैं ट्रैप मैं अटक गया, चलो भाई सब निकलना, मैं बंदूक चला दूँ किसी ना किसी, बंदा बाहर नहीं आ रहा मेरा, और ऊपर से डिप्लोडोकस। हाँ ये अटक गया, अटक गया भाई, हिलियो मत। एक और गाइस की एक बार आंख में मार के देखते कैसा दिखता है इसको, गाइस शक्ल लाल कर दूंगा आज मैं क्या भाग रहा है डर के, इतने जल्दी टॉर पर चढ़े इसको बे यार। भाई पानी में नहीं भाई, प्लीज पानी में नहीं भाई, भाई, भाई। जल्दी टॉर पर चढ़ेगा नहीं। हाँ भाई अभी तो आधा चढ़ा है, 30-22 फिट बाद में। टॉक्सिक एंड एरोस भी हैं रिजर्व में रखे हैं मैंने उनको। भाई ये चढ़ता क्यों नहीं है मेरा प्लेयर, वापिस आया है तो बहुत स्लो है डिप्लो, पेट्रा ही मेरा खड़ा इधर फटाफट। गाइज वैसे तो ये मेल है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, फीमेल मिल रही थी लेकिन 20 लेवल से ऊपर मिल ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई। कहाँ चढ़ जा भाई, गाइस वापस से चढ़ चुके हैं हम लोग, मेरा आधा टाइम तो गाइस इधर वही वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ गया, अब डिप्लो गायब होगा कुछ भी भाई, यार क्या है ये रहा, कहाँ भाग गया है बे ये गंदी शक्ल वाले। फटाफट 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 गाइस आगे इस चैनल पे और भी ट्यूटोरियल जाएंगे, और नए नए गेम्स के आएंगे, पोकेमोन वगैरह के भी आएंगे। तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल काफ़ी डाउन चल रहा है, और भी नए नए ट्यूटोरियल डालूँगा और वगैरह, आप कोई भी गेम कहेंगे उसका ट्यूटोरियल आ सकता है आपको, आएगा ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं बिल्कुल फिल्म के, देखो समझ नहीं आ रहा गाइस, मैं एक फिल्म के उधर डायरेक्टर की कॉपी की तरह क्यों बोल रहा हूँ। फटाफट फटाफट गाइस, और बेल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो आए तो आपको ज़रूर पता चले, आपको पता चल जाएगा एकदम से, आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिलहाल के लिए भाई तो प्लीज़ भाई टेम हो जा, गिर जा भाई। मिस भाई, पहला मिस हुआ, चलो भाई दुख नहीं। ये भाई इसका टॉर पर गिरता, मतलब कि ना जो भी हम नॉकआउट करके चढ़ा रहे हैं वैसे गिरता बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। कितना चढ़ गया गाइस का टॉर पर सा चेक, ओके 10,000, अच्छा खासा चढ़ गया।
प्लीज हेड एम करा ले यार, हेड दिखा दे अपना। कि गाइस फटाफट बस इसको, ये थोड़ा टाइम और लगा एकदम से धक्का मारेगा मुझे इसका। बस ये धक्के धक्के मार के जो हम गिरते हैं ना दूर से, वही डैमेज है इसका और कुछ खास नहीं है। इसके बाद मैं थेरीजिनो वगैरह को भी टेम करने वाला हूँ क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। थेरीजिनोसॉरस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डायनासोर है। इन फिलहाल के लिए हम डिप्लो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसका रंग तो वैसे बड़ा बेकार है, मैं इसको कलर कर दूंगा किसी अच्छे कलर में, ब्लू वगैरह कर दूंगा इसका कलर, या वाइट कर दूंगा पूरा, या फिर आपको आप जो कलर कहेंगे उसका वो कर दूंगा। कमेंट में कलर बता देना आपको किस कौन से कलर का चाहिए ये डायनासोर। और केव वगैरह के ट्यूटोरियल भी आ जाएंगे जल्दी जल्दी, अगर ये अगर सपोर्ट दिखाएंगे तो। गाइस पहले मैं सपोर्ट के कारण सपोर्ट ही नहीं आ रहा था मेरे को, मेरी वीडियो कोई लाइक ही नहीं कर रहा था, इसलिए बस मैंने वो वीडियो डालनी बंद कर दी। लेकिन अब पक्का हर वीडियो, हर 3-2 दिन में आएगी एक वीडियो ज़रूर आएगी फुल एडिटिंग वगैरह के साथ। वे पानी में नहीं, डिप्लो, डिप्लो की औलाद वापस चल जा भाई प्लीज़ भाई, पानी में ना भाई प्लीज़ भाई, कैंटो रीजन की कसम तुझे वापस जा, देखो तेरे डिप्लो भाई की कसम भाई वापस जा, मरे हुए डिप्लो भाई की कसम जा ना भाई वापस। क्यों मार रहा है, डर मेरा बंदा जम गया इधर ऊपर भाई, इतनी मेगा पीना भाई, मेगा पिराना, अरे पिराना मर गया मर गया मर गया, अरे भाई भाई कूद दो कूद दो कूद दो, अरे कितनी है कोई सच पी देख लो भाई, ये नहीं भाई इसमें गया इसको तो मार की सांस ले, मारना नहीं भाई टेम करके सांस ले, ऐसे मारते चलो कि लगा जिस बस ये ऑलमोस्ट नॉक होने ही वाला है भाई। उधर मत जाना यार, मैं मर जाऊंगा गाइस, इसको टेम करने के चक्कर में मर जाऊंगा। गाइस मेरे साथ स्कैम होगा, टॉर्पर चढ़ने वाला ऊपर से पानी में चला गया बे भिखारी। कोई गाइस कट जान तू, उधर मेरे पास टैंक टॉक्सिक एंड एरो पड़े, इसको टॉर्पर जितना उतरेगा वापस चढ़ा दूंगा, उस तरह जा रहा नहीं है। कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा बहुत डाउनफॉल वगैरह सहना पड़ता ही है। चल भाग, कहाँ है ये, तू ये रहना है बे पेट्रा, ते को लग गया गाइस ये पेट्रा, मेरा 2 अटैक खा चुका है, खुश शांति मिली पेट्रा। जल्दी से लोड मारो टॉक्सिक एंड एरोस, गाइस को बेहोश करके रहेंगे कुछ भी हो जाए भाई। अब डिप डायलॉग वो आ गए, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, डिप्लो कहाँ है, मेरी हड्डियां टूट चुकी हैं। बस डिप्लो बेहोश होगा और उधर मैं भी बेहोश हो जाऊंगा, मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर पैरा सर कुचल रहा था मुझे, गाइस मैं कुछ भी करके जैसे जैसे फुल स्पीड पे सो गया, दिन वो रात को कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, कुछ भी नहीं लिटरली। ओके पैरा सर यहीं पे घूमते हुए, ये डिप्लो यहीं भाई 30,000 फूड है इसका,
सिर्फ और सिर्फ 1,000 कम हुआ भाई, शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं अपने पेट्रा के पास जाता हूँ भाई, मेरी HP तो खत्म हो रखी। अगर यही हाल चलता रहा मैं भी साथ में, मैंने फिर गलत चीज खा ली गाइस। मैं पता नहीं क्यों मैं पागल लड़का हूँ, और इस टाइम मैं स्लीप कर सकता हूँ, लेकिन मेरा बेड वो है ना, मेरा प्लेयर अभी थका नहीं हुआ, तो उसको थकाने के लिए पता है ट्रिक है, 2 सेकेंड में थकान ओवर कर सकता हूँ मैं इसकी। बस क्या चाहिए, 20 हाइड चाहिए और 15 फाइबर बस। आपको करना है एक स्लीपिंग बैग बना लेना है, ये पैरासर ना गाइस मेरे को परेशान कर, मैं सो ठोक ठोक दूंगा, फिर बाद में मेरे को भी रोए, मैं भी रोऊंगा और ये भी रोएगा। भाई तू इधर क्यों आ रहा भाई, जा ना, तेरा घर है क्या यहाँ पे? आपको करना है सबसे पहले फास्ट ट्रैवल करना है, बैठ लो, फास्ट ट्रैवल करने का बटन दबाओ। ना ना भाई, पहले ना स्लीपिंग बैग का एक नेम रखाते हैं। भाई तू डिप्लो पे चढ़ जाएगा पागल है, बता रहा हूँ, तो बहुत मार खाएगा पैरस। वो की मिल गई शांति, आया गैस पैरासर को पहले ठिकाने लगाओ यार। गैस मार दूंगा मैं तेरे को जल्दी, भाग जा यहां से। भाई देख गया इसको, इतना शोर कर रहा है, ढंग 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 ढंग, पता नहीं क्या दिक्कत है। गाइस वीडियो के लास्ट में आपको यूजेज बताऊंगा कितना प्राइम मीट मिला मेरे को, अच्छा खासा दे दिया भाई इसने। अब ट्यूटोरियल के लिए सबसे पहले बेड को कोई भी नाम रख ताकि निशानी लग जाए, और वैसे तो मेरे काफ़ी सारे बेड हैं इसलिए मैं नाम रख रहा हूँ, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है नाम वगैरह रखने की बेड के, तो ट्रिपल ले रख देते हैं बेड का, बेस्ट स्लीपिंग बैग का नाम। तो अब क्या करना है, फास्ट ट्रैवल करना है, ए ए ए वाला कौन सा है, हाँ ये रहा, इस पर फास्ट ट्रैवल करना है आपको। इससे क्या होगा, आपका स्लॉट है ना, सारा फूड वगैरह सब खत्म हो जाएगा, बाहर के चलेगा ये स्लीपिंग बैग डिस वो गायब हो जाएगा, आपका सामान यहीं रहेगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब आप ना शांति सो सकते हैं, आपका टायर्डनेस सारी खत्म। ये लॉजिक ग्लिच है वैसे, पता नहीं क्या ग्लिच है, समझ नहीं आता मुझे, लेकिन ये काफ़ी काम का है। तो सबसे पहले अब हो गया, मैं सो के भी उठ गया हूँ, लेकिन अभी भी इसका 3,000 ही फूड कम हुआ यार, टायर्ड। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको दे देता हूँ सूदिंग मम 10x, और थोड़ा बहुत नींबू का, नींबू वगैरह आप लाए हो तो ठीक है, मैं तो नींबू और मीजो बेरी लेके आया हूँ। तो फटाफट इसको दे देते हैं, अरे भाई देखना का अभी, एक सेकेंड में ये बंदा ना मैं क्या टेम हो जाएगा। हैं सिर्फ 5%, मेरे को झटका लगेगा इस दिल से, मेरे को झटका लग गया भाई, इतना कम लिटरली। लेकिन इसका भाई जल्दी फूड लेवल देखो, फूड लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, अरे आराम से होगा गाइस, ये आराम से टेम होने वाली चीज है भाई। 100 लेवल से ऊपर चल जाए बस गाइस, और कुछ नहीं चाहिए, 100 लेवल से ऊपर चल जाए। ओ भाई हो भी गया 112 लेवल का, तो गाइस हमारा 112 लेवल का मेल डिप्लोडोकस हो गया टेम। मैं थोड़ी सी मसाज कराने जा रहा हूँ उसके पैर के नीचे, अरे वाह 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 मजा आ गया, अरे मजा आ गया, अरे हाँ थोड़ा फोटो वगैरह खींच लेते हैं। चलो भाई ऐसा वगैरह मेरे ऊपर रखने वाला अपना पैर, अभी भगवान ही मेरा ही बंदा है, मेरे को थोड़ा मरे। चल भाई अब तू यहाँ खड़, मैं जा रहा बाय बाय, क्या इसको फटाफट टेलीपोर्ट मार लेंगे, नहीं इसको मार ही लेते हैं फटाफट साथ में ही ना, रास्ते में 3-4 बार टेलीपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई ओ भाई एक सेकेंड, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो रही है, मेरे नींबू तो वापस कर दे, इम्प्लांट रह लिया, इम्प्लांट में कुछ फटाफट कट लेते हैं गाइस, फुट लो यहाँ से फटाफट, आपको अपना बेस भी दिखाऊंगा, इसके यूजेस वगैरह बताते हैं। चलो बस ये ना मैं उधर पहुँच रहा हूँ, देर में कोई इसको पेल गया तो स्कैम हो जाएगा।
फुल स्पीड पे बैरल रोल मारेंगे। वैसे स्पेट्रा का काफी अच्छा खासा पेट्रा डॉन है ये इसका। ओह शिट 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 गाइस मैं क्या, ओह भाई साहब गाइस मैं लिटरली मरते मरते बचा, मेरे प्लेयर डिसमाउंट हो गया था भाई। वो कारण 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 मैं क्या बस पाइनो के पास कहाँ से लेके जा रहा है मुझे, वापस से डिप्लोडोकस के पास फोन होते हैं और क्या कर सकते हैं। हमारा तो गया, हम तो गए गए हम, आ जा भाई तेरे पास ही खड़ेंगे, जिंदगी यही बची, खंड हो गया भाई हमारा तो स्कैम। फटाफट अपने पेट्राडॉन को भी रिक्वेस्ट करते हैं, उससे पहले उसको भी कोई पेल जाए वहाँ पे। स्केच भी फुल होगी भाई, अच्छी खासी एच पी वैसे 8840 अच्छी हो इसका गाइस एच। चलो तब तक इसका रिव्यू करते हैं। एच पी तो अच्छी खासी है, स्टेमिना भी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं भाई मेरे पेट्राडॉन ज़्यादा स्टेमिना गाइस इसका। फूल लेवल तो बहुत ज़्यादा है, वेट 1000 किलो अच्छा खासा भाई, तो वेट अच्छा। और इसका डैमेज है बस 178% है, डैमेज वगैरह पर वर्क करना पड़ेगा। और स्पीड बहुत कम है भाई साहब। टॉर्पर कितना हो गया इसका, 36,000 टॉर्पर से तो शूट दे करो छोकरे का, 1600 टॉर्पर से तो 36,000 डबल हो गया। एक तरह से वैसे गाइस इसकी एचपी भी डबल ही होगी है, और फिर से डिसमाउंट गाइस मेरे साथ लैग ग्लिच हो रहा है, लैग हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं की मैंने दबाया तो है नहीं अपने आप डिसमाउंट हो गया। फटाफट फटाफट चढ़ जा मेरे भाई, वीडियो लंबी हो गई पहले बहुत ज़्यादा। डिप्लोडोकस टेलीपोर्ट तो गाइस फटाफट फटाफट चलते हैं। तो गाइस इसका इस डिप्लोडोकस का वैसे तो मैं रिव्यू इसी वीडियो में करने लगा था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो फिर इसका रिव्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।